बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं कि पाई की रेसिपी तैयार हो गई है। पाई बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है और ये जैसे बनाए जाते हैं, तो चलिए आए आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाए बनाने के लिए एक कुकर में 1.5 कप ऑयल डाल के रख दिया है। इसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, बादियान के फूल ये डाल देते हैं। इनको 1 से 1.5 मिनट के लिए ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई करते हैं। खड़े मसाले अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई किए थे ऑयल में। अब इसमें 3 दरमियाने साइज के प्याज काट के वो डाल दिए। इनको गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब इसमें 2 चम्मच कुटा हुआ अदरक लहसुन डालते हैं। अदरक लहसुन डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब इसका अच्छी तरह से फ्राई करते हैं ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। अदरक लहसुन को भी अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसमें पाई डाल देती है। ये पाए मैंने धो के अच्छी तरह से रखे हुए हैं, ये बीफ के पाए। पाए डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब 8 से 10 मिनट के लिए पायों को प्याज और अदरक लहसुन के साथ अच्छी तरह से पका लेती हूँ। रहने रही पायों को 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से प्याज और लहसुन के साथ फ्राई कर लिया। अब इसमें 4 अदद टमाटर इनके छिलके उतार के काट लिए और 3 अदद हरी मिर्च ये भी काट दिए। साथ ही इसमें मसाले डाल देते हैं। हल्दी आधा चम्मच, नमक कसके ज़रूरत, मिर्च मसाला 1 चम्मच और काली मिर्च 1/2 चम्मच। इनको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। टमाटर सूखे मसाले डाल के अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया और इनकी अच्छे से बुनाई कर लेते हैं टमाटरों के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप देख सकते हैं पायों की बुनाई जो है वो हो गई है, कितनी ही ज़बरदस्त। कुछ लोग पहले पाए को जोते हैं, उनको उबालते हैं, फिर मसाला बना के फिर उस उन पायों को उस मसाले में भूनते हैं, तो उस तरह से मसाला इसमें सही नहीं रचता। इस तरह से आप इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त पाए तैयार होंगे। अब इन्हें पानी डाल देते हैं। पानी जो है वो डाल दिया है। अब प्रेशर कुकर को बंद करके 1 घंटे के लिए पायों को पका लेते हैं प्रेशर कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पाए जो है वो पक गए हैं। 1.5 घंटा मैंने इनको प्रेशर कुकर में अच्छी तरह से पका लिया। पाए अच्छी तरह से नरम हो गए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं 1 चम्मच और हरा धनिया डाल देते हैं। मिक्स करते हैं और डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप देख सकते हैं ये है बीफ पाई की फाइनल लुक। आप भी इस तरीके से पाए बनाएं, बहुत अच्छे बनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल मून पाक फूड को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन बार वक्त आप तक पहुँचता रहे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, दुनिया और आखिरत की तमाम आसानियाँ नसीब फरमाए। इसी के साथ मून को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।